राजनामा दुनिया के साथ मैं प्रिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन JKLF और हुर्रियत को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रहे 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने मालिकों के ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ पहले से ही कोठीबाग पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी एक्टिविटी करने का मामला दर्ज है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये विदेशी संस्थाओं के संपर्क में थे। इनमें से कुछ लोग JKLF के फारूक सिद्दीकी और राजा मुजफ्फर की अध्यक्षता वाले कश्मीर ग्लोबल काउंसिल जैसे अलगाववाद का प्रचार भी करते थे। उन्होंने बताया कि आज हो रही बैठक के दौरान इन आतंकियों को पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद आतंकियों ने बैठक के मुद्दे को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बताई, जबकि बैठक का असली एजेंडा प्रतिबंधित संगठनों को फिर एक्टिव करने की रणनीति पर चर्चा करना था। जांच में यह भी पता चला है कि 13 जून 2023 को भी ऐसी ही बैठक हुई थी, जिसमें ज्यादातर लोग शामिल हुए थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकियों की पहचान मोहम्मद यासीन भट्ट पुत्र मोहम्मद भट्ट, मोहम्मद रफीक पहलू पुत्र मोहम्मद हसन, शमसुद्दीन रहमानी पुत्र अमीर अहमद के रूप में हुई है। ऐसे ही बने रहिए राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।